हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहाड़ी बुल्स। चलो देखते हैं आज बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। तो कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस लेवल के पास हमें क्लोजिंग मिली है। ये दो लेवल है, 45,000, एक 45,000 का और एक 45,600 का लेवल है। इस लेवल को जैसे ऊपर इस तरीके से ब्रेक करता है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन ऐसे इस तरीके से ब्रेक करता है, तो हमें वापस से ये लो रिटेस्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो अगर ये 45,000 होल्ड करता है, अगर बैंक निफ्टी आज 45,000 होल्ड करता है, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के यहाँ पे होल्ड करता है, 45,000 की रेंज को होल्ड करता है, तो हम इसमें ऊपर साइड की मूव 45,200 से 45,300 तक का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें इस रेंज तक का। कोई ये लेवल समझ में आ रहा होगा, 45,600 और 45,000 का रेंज हमारे पास नो ट्रेडिंग रेंज है। तो जैसे ही 45,000 के ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड एंट्री बनाएंगे, और 45,600 के नीचे निकलता है तो वो होगा हमारा 44,300 से 300 के बीच में। और जैसे ऊपर साइड ब्रेक करता है, 45,000 ब्रेक करता है, तो हमारा जो टारगेट होगा 45,200 से 45,300 के बीच में, ये टारगेट हमारा रहेगा। और अगर इस रेंज में, अगर 45,000 और 45,600 के रेंज में अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। और पिछले 3 सेशन में हमें अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिला था, लेकिन अब यहाँ पे चांसेस इज वेरी हाई कि ये यहाँ पे होल्ड करें, इस लेवल को होल्ड करें, और इसके बाद अपसाइड डाउन साइड जिस तरीके की मूव जाना होगा, तो ये हमें कुछ वहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाएगा और हम उसके साथ फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फिलहाल हमारा जो रेंज होगा वो 45,000 के रेंज पे ही हमारा बाय का कॉल होगा, और 44,600 पे हमारा सेल का कॉल होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।